नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण दर्शन मार्ग दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक पंचांग की। 24 अगस्त 2019 शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी, अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:57 से दोपहर 12:54 तक, और राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से सुबह 10:40 तक। राहु काल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के गुड लक की। वैसे तो जन्माष्टमी का दिन है, हम ढेर सारे फूलों से सजाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को मनाएंगे, उन्हें पालना झुलाएंगे, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, तमाम तरीके के 56 भोग बनाकर उन्हें सात्विक आहार बनाकर उन्हें ग्रहण करने के लिए उनको भोग लगाएंगे, और रात 12 बजे के बाद प्रसाद के रूप में हम खुद ग्रहण करेंगे। कहने का तात्पर्य है हम सभी ग्रहण करेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं आपको 56 भोग लगाने का सामर्थ्य नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं लगा पाएंगे, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में सिर्फ एक लोटा जल, उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालकर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रख दें। यही है आपका समस्त भोगों का सार। बस यही एक चीज़ आपको 56 भोग का पुण्य फल दिलाएगा। और फिर 12 बजे के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाए, तब इस जल को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। दोस्तों, आप चाहें तो ये एक लोटा जल और 2 तुलसी के पत्ते लेकर आप पास के किसी कृष्ण जी के मंदिर में भी जा सकते हैं और वहाँ भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और यही जल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये थी गुड लक। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि वालों, वैसे तो स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर दिखता है और बिना मतलब के वाद विवाद से दूर रहिएगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा रहेगी और आपको अपनों का साथ भी मिलेगा। जो भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलने का वक्त है। जीवन साथी से प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और इस दिन आप कहीं घूमने फिरने या फिर किसी समारोह में उपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है आप मंदिर ही जाएं। जीवन साथी हौसला तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही माँ का प्यार मिलेगा, और अगर कहीं कोई विवाद था तो उसमें विजय होते भी दिखते हैं। पर फिर भी सलाह दी जाती है वाद विवाद से दूर रहें, वरना बुरे भी फंस सकते हैं। संतान की ओर से मान सम्मान में वृद्धि होगी, और गाय को आप अगर संभव हो तो गुड़ रोटी जरूर खिलाएं। गुड़ या फिर आप गुड़ लगाकर रोटी खिला सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का एक दिया जलाएं, जिससे शनिदेव महाराज की भी कृपा मिले और इस दिन जो जन्माष्टमी का दिन है इसका पूरा पुण्य फल भी आपको मिले। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम। भाग्य साथ निभाएगा करीब 65-70%। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन ठीक ठाक है। वैसे पढ़ाई में मन लगेगा, झगड़े लड़ाइयों से दूर रहिएगा। राधे राधे, हम फिर मिलेंगे।